तो सवाल है हमारा 6.1 का, आकृति यानी कि चित्र दिया है, ये आकृति है। आकृति 6.16 में एक्स प्लस वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड के। जो एक्स प्लस वाई है इस साइड के, ये एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर है, डब्लू और जेड के इस साइड के बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी जो ये सीधी रेखा गई है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या इस जो दिख रही है वो वास्तव में रेखा है कि नहीं है, है ना। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत टेढ़ा हो टेढ़ी हो, तो हमको ये चीज़ सिद्ध करनी है कि ये वास्तव में क्या है, रेखा है कि नहीं है। हमें चित्र क्या दिया है, एक ये है, तो यहाँ पर नाम दिया है ए ओ बी, ए बी और यहाँ बीच में केंद्र है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, ये ठीक है। तो यहाँ पर ओ नाम दिया है और यहाँ पर क्या है, सी और डी, सी और डी ये नाम दिया है। अब हमको यहाँ पर बताना है कि क्या ये रेखा है, ठीक है। और एक चीज़ और क्या दिया है यहाँ पर, वाई एक्स, ये वाला कोण दिया है वाई एक्स और ये छोटा वाला एक्स, फिर इस साइड क्या है ओ डब्ल्यू, यहाँ पर जेड है और ये डब्ल्यू, इस साइड कोण डब्ल्यू है, तो इन दोनों ये दोनों और ये दोनों बराबर है। तो दिया है वाई प्लस एक्स बराबर है किसके, डब्लू प्लस जेड के, ये हमको दिया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के केंद्र में, जो ये केंद्र है यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 360 डिग्री का, मतलब हम ये चार कोण दिए हमको एक्स वाई जेड और डब्लू, ठीक है। तो जब हम चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी रेखा के तीन कंडीशन, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के केंद्र पर बना कोण के केंद्र पर संपूर्ण कोण कितने का बनता है, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ये हमको पता पहले से। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसी रेखा के, हम इसको पहले से रेखा नहीं मान सकते कि रेखा ए बी के इस साइड वाई प्लस जेड कोणों का योग 180 डिग्री होगा या फिर जेड प्लस डब्ल्यू की कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमको यही तो पता नहीं है ना। नहीं तो हम ये दूसरी शर्त भी लगा सकते थे कि वाई प्लस एक्स यानी किसी रेखा के एक साइड के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पर ऐसे चाहे जितनी सारी रेखाएं ऐसे काट दें, ठीक है ना, तो जो केंद्र पर कोण बनेगा यहाँ पर सभी कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, वो 360 डिग्री का। अतः कितना होना चाहिए, इन चारों कोणों को जोड़ने पर हमें 360 डिग्री मिलना चाहिए। तो हम जोड़ते हैं वाई प्लस एक्स प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। वाई प्लस एक्स बराबर डब्लू प्लस जेड, ठीक है। तो हम इसके बदले में, इन दोनों के बदले हम इनको लिख सकते हैं, या फिर हम इनके बदले में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे इसके बदले में इसे लिखें, चाहे इसके बदले में इसे लिखें, दोनों में आंसर हमारा सही आना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके बदले में इसे लिख लेते हैं। तो जहाँ पर डब्लू जेड है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई प्लस एक्स करेंगे। तो वाई प्लस एक्स तो ये पहले से हमारा, और इस डब्लू जेड को हटा करके, डब्लू जेड के बराबर हम क्या दिया हमको सवाल में पहले से, ये दिया है। तो हम इसको लिख लेंगे दोबारा, प्लस वाई प्लस एक्स ये हम लिख लेंगे, अब बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, वाई वाई को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो वाई और वाई जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, दो वाई, और एक्स एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो एक्स। तो हम पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को, तो दो एक्स 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 दो एक्स प्लस वाई वाई दो वाई बराबर 360 डिग्री, ये हो गया। अब दो कॉमन कर लेंगे,
तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब इस दो को इस साइड ले आएंगे, ये गुणा कराते हैं, भाग करेगा तो एक्स प्लस वाई बराबर 360 बटे दो हो जाएगा। अब दो से इसको काट देंगे तो दो एकम दो और 18 दूनी 36 180 आ गया। तो एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। कैसे आंसर है? क्योंकि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी कि इस साइड के कोणों का योग कितना आ गया? अब इस साइड के कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा हमारा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये कब होता है? किसी भी रेखा के जब एक साइड के कोणों को जोड़ते हैं और उसका कोण यदि 180 डिग्री है तो मतलब कि रेखा ही है। किसी रेखा के एक साइड के कोणों का ही योग 180 डिग्री होता है।